हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण के वीसी अंशुल सिंह की शहर को सुंदर और हरा भरा बनाने की मुहिम तेज हो गई है। अंशुल सिंह आसफ नगर में प्राधिकरण की निर्माणाधीन कॉलोनी को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने यूपी सिंचाई विभाग के साथ साथ तहसील प्रशासन की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अंशुल सिंह ने हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई जा रही कॉलोनी में जल निकासी के मामले को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को इसका समाधान खोजने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्दी रुड़की शहर में लोगों को एक बेहतर कॉलोनी गंग नहर के किनारे मिलेगी। इस दौरान यूपी सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विकास त्यागी ने कहा कि गंग नहर में किसी तरह का ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने दिया जाएगा, इसके लिए अलग से जल निकासी का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए जल्द ही दोनों विभागों में सहमति बन जाएगी। मेन मुद्दा इनका एक सोलानी पार्क का कंस्ट्रक्शन था, जो कि वो दो नहरों के बीच की फिलिंग रिज का एरिया है और वहाँ पे जो है केवल मतलब एथनिक टाइप्स के वर्क्स ही हैं, ऑलरेडी पार्क बना हुआ है। तो हमारा ऑब्जेक्शन था कि इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो अभी एक परियोजना वैसी बनाई जा रही है वाटर पार्क टाइप की, और सहमति बनी है कि डिपॉजिट पे अगर विभाग को देंगे पैसा तो हायर लेवल से सैंक्शन हो जाएगा प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाता है तो वो है सर, जिसको ही जमीन इसमें नहीं जाने दी जाएगी, इसलिए हम लोग हैं आज। अच्छा, हाँ, हम लोग नोटिस जारी, जहाँ जहाँ भी इस तरह की है तो तत्काल नोटिस जारी हो रहे हैं, विधिक कार्यवाही चल रही है। नहर में अगर पानी डाल सकते हैं तो क्या उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, अगर नहीं डाल सकते हैं तो क्या ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस रहेंगे? तो एक ये तरीके से एक मंथन भी चल रहा था और साथ में हम लोग देख भी रहे थे कि प्रशासनिक तौर पर क्या फीजिबल है क्या नहीं है। साथ में हमने सोलानी पार्क का भी विजिट करा, वो प्रोजेक्ट रुका हुआ था बिकॉज हमें यूपी इरिगेशन से कुछ एनओसीज आनी थी, तो उनकी तरफ से भी अभी पॉजिटिव रिस्पांस आया है। कुछ हमें प्रोजेक्ट्स को उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि हम उस प्रोजेक्ट को हम ले सकें। इसमें दो तरीके से काम हो सकता है, या तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्क को मॉडिफाई करके हम लोग करेंगे, नहीं तो डिपॉजिट वर्क के थ्रू करेंगे जिसमें हम फंड इनको ट्रांसफर करेंगे, देन दे विल गो अबाउट इट। मेन काम हमारा ये है कि काम कोई भी करे, चाहे फंड HRDA उसमें दे देगा, बट सौंदर्यकरण शहर का हो, यहाँ के लोगों को सुविधा मिले, डेवलपमेंट हो एंड लेजर एक्टिविटीज बढ़े, रहने की हाउसिंग फैसिलिटीज इंप्रूव हो पाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।